हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। सो दिस इज एनसीईआरटी मैरीगोल्ड बुक फॉर क्लास 5। रीड अ पोयम एंड टाइटल ऑफ द पोयम इज टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स आप लोग क्या समझते हैं? टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर, मिलकर काम करना। टीम वर्क में क्या होता है कि हम लोग मिलकर जब काम करते हैं, जैसे एक फुटबॉल मैच हो गया तो उसमें पूरा टीम मिलके खेलती है। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आप मिलजुल के काम करना या खेलना पसंद करते हैं दूसरों के साथ? दैट इज टीम वर्क। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Let's sing and dance. First, we will read the poem. Teamwork, teamwork, together we can make our dream work. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us. Jan Nigro. Name of the poet is Jan Nigro. अब हम समझते हैं कि इसमें क्या बोला है। फर्स्ट स्टैंजा, टीम वर्क टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन, मिलकर काम करे, मिलकर काम करे, एक साथ मिलकर काम करके हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। तब हम प्रसन्न होंगे उस काम को देखकर जो हमने मिलकर किया है। अतः सभी मिलकर काम करें। इसमें कुछ हार्ड वर्ड है, जैसे कि एक तो टीम वर्क, उसका मीनिंग लिख लीजिए आप लोगों ने कॉपी पेंसिल। मेरा वीडियो देखते ही कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा। अगर ले ली है तो लिखिए टीम वर्क एंड मीनिंग वर्किंग टुगेदर। नंबर टू, मेक आवर ड्रीम वर्क, मेक आवर ड्रीम वर्क, रियलाइज आवर ड्रीम, अपने सपनों को साकार करना। नेक्स्ट, शेयर, शेयर यानी कि बांटना। सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, यानी कि बास्केटबॉल को छल्ले में से फेंकना बड़ा मजेदार लगता है। बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स, किंतु यदि एक खिलाड़ी आगे दूसरे खिलाड़ी को गेंद नहीं बढ़ाए तो कोई भी उसे मार नहीं सकता है। बॉल को आगे बढ़ाना भी जरूरी है, उसके लिए पूरी टीम की जरूरत होती है। अगर वो टीम का एक भी आदमी सोचे कि मैं उसको किस लिए बॉल दूं, मैं खुद ही डाल दूंगा बास्केट में, तो ये गेम नहीं हो सकता है। एंड द रिले रेस जस्ट कान गो ऑन इफ नोबडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन, और रिले रेस भी जारी नहीं रह सकती यदि कोई खिलाड़ी बैटन को आगे बढ़ाना नहीं चाहे। रिले रेस में क्या होता है कि एक बैटन हमारे हाथ में दिया जाता है, हम पास करते जाते हैं, एक के बाद दूसरे को मिलता जाता है। अगर उस बैटन को हम नेक्स्ट खिलाड़ी को ना दें तो रिले रेस कभी हो ही नहीं सकता। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल, हम लोग भिन्न भिन्न अंग है जिसे मिलाने पर संपूर्ण बनते हैं। हम लोग सब एक एक अंग है जिसे मिला के संपूर्ण बनते हैं। अगर हम लोग दुकान ना जाए, सामान खरीदने ना जाए, तो हमारे घर में सामान कहाँ से आएंगे? अगर किसान खेती ना करे तो फिर हमें चावल गेहूं कहाँ से मिलेगा? एंड वी हैव गॉट अवर आईज ऑन ए कॉमन गोल, और हमारी आंखों के सामने एक ही लक्ष्य होता है। Sometimes it can be a big plus when you or a me becomes an us. कभी ये बहुत अच्छी बात हो सकती है जब एक तुम
और एक मैं मिलकर हम लोग बन जाते हैं। तो जो पोएट है जैन निग्रो जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है कि हमें अकेले कोई भी लोग, कोई भी आदमी अकेले नहीं रह सकता। आदमी क्या, एनिमल्स का भी सेम है, कोई अकेले नहीं रह सकता। और जब तक हम लोग एक दूसरे के लिए करते रहेंगे तब तक दुनिया भी चलती रहेगी, गेम्स भी चलते रहेंगे। और जब हम ये सोचने लगेंगे कि मैं उसके लिए क्यों करूं, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो उसका काम है, तो तब क्या होगा, तब तो सारे खेल भी खत्म हो जाएंगे और हम सब काम खुद से नहीं भी कर पाएंगे। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, टीम में काम करनी चाहिए। एक साथ मिलकर काम करने से ही हम अपने सपने साकार कर सकते हैं। इस चैप्टर को आप लोग लर्न कीजिए। यू लर्न दिस पोएम बाय हार्ट एंड राइट ट्वाइस और थ्राइस इन योर नोटबुक और मीनिंग के साथ इसको सिंग एंड डांस। ओके, इस गाने को, इस पोएम को गाते हुए डांस कीजिए। किस तरह से गाएंगे मैं उसका वीडियो बाद में बता दूंगी, एक और डालूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो बाय फॉर दिस टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊंगी। थैंक यू।